Hello students, good afternoon to all. This video lecture is about the fins of fishes. इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिशेस में जो फिन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के फिन्स होते हैं, उनका वेरिएशंस मॉडिफिकेशंस अगर कुछ हैं तो वो क्या है। तो फिशेस में अगर हम फिन्स को देखते हैं तो फिन्स जो हैं आर द चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द फिशेस। दे आर आइदर फोल्ड ऑफ स्किन और प्रोजेक्शंस फ्रॉम द बॉडी सर्फेसिस। ठीक है, तो बॉडी के फोल्ड से बने होते हैं क्योंकि फिन्स क्या है आपके एक्टोडर्मल डर्मल डेरिवेटिव्स हैं या एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं। तो डर्मिस के मॉडिफिकेशन से, एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ये बनते हैं, इंटेगमेंट्री मॉडिफिकेशन आई शुड से। The fins are supported by the fin rays. Fins जो होते हैं ये fins के through, fin rays के through supported रहते हैं। अगर हम इनका analogous version देखें invertebrates में, तो they are analogous to the limbs of vertebrate. तो जो भी हमारे limbs के, हम limbs के through हम जो भी functions perform करते हैं वो सभी यहाँ पे fins के through perform किए जाते हैं। Use of fins को अगर हम देखें तो fins swim mainly by the lateral movement of tail and tail fin. ठीक है, तो फिन्स जो है वो बेसिकली स्विमिंग से रिलेटेड है। स्विमिंग में आपके टेल और टेल फिन जो है हेल्प करते हैं। अदर फिन्स आर मेनली यूज्ड एज स्टीयरिंग डिवाइस एंड रडर। ठीक है, तो आपका जब भी स्विमिंग मूवमेंट हो रही है तो वहां पे आपके ये फिन्स हेल्प करते हैं। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, तो पेयर्ड लेटरल फिन्स जो होते हैं ये इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक जैसे कि वॉकिंग है, लेग्स, जो वॉकिंग लेग्स, जो वॉकिंग फिशेस होती हैं, जैसे लंग फिशेस हैं, तो उनमें क्या होता करते हैं ये वॉकिंग में हेल्प करते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कुछ फ्लाइंग फिशेज होती हैं, ठीक है, कुछ क्लाइंबिंग फिशेज होती हैं, उन सब में क्या होता है मॉडिफिकेशन होते हैं फिशेज के होते हैं। इसी तरह से आप एक सिम्बैटिक रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें कि सकर फिश होती है, उस पर सकर्स जो होते हैं वो भी आपके फिश के फिन्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। सो दे आर टू मेन टाइप ऑफ द फिन्स इन द फिशेज, अनपेयर्ड और मीडियम फिन्स एंड पेयर्ड एंड लेटरल फिन्स। अनपेयर्ड एंड मीडियम फिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत आपके डॉर्सल फिन्स आते हैं, वेंट्रल फिन्स आते हैं, इसके अलावा एनल फिन्स आते हैं, कॉडल फिन्स आते हैं। ठीक है, कॉडल फिन्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आपको कॉडल फिन में देखने को मिलते हैं। डॉर्सल फिन में भी सीरीज और रिड्यूस्ड, ठीक है, तो डॉर्सल फिन जो होते हैं कंटिन्यूस भी हो सकते हैं या कुछ सेगमेंट्स में, यानी पोस्टीरियर और एंटीरियर सेगमेंट इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वेंट्रल फिन, एनल फिन ये हमेशा सिंगल प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूशन में बहुत कम होते हैं। पेयर्ड फिन्स की अगर हम बात करें तो पेयर्ड फिन्स में आपके पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स आते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं पेयर्ड फिन्स कहते हैं। तो पेक्टोरल पेल्विक जो हमारे लिम्स होते हैं एक्चुअल में एनालोगस जो होते हैं ये पेयर्ड फिन्स के एनालॉग होते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल जो होते हैं ये आपके हाइंड फोर लिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, पेल्विक जो होते हैं ये आपके हैंड लिम्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। पेल्विक फिन्स जो होते हैं ये थोरेसिक भी हो सकते हैं और एब्डोमिनल भी हो सकते हैं। अगर पेल्विक फिन पेक्टोरल फिन के जस्ट पीछे की तरफ थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है देन दे आर नोन एज पेल्विक थोरेसिक फिन्स, और अगर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है तो इनको हम क्या कहेंगे एब्डोमिनल पेल्विक फिन्स कहते हैं। बोथ अनपेयर्ड मीडियम फिन्स एंड पेयर्ड फिन्स इनको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, कुछ कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पीशीज इनका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। और इनमें जो भी मॉडिफिकेशन हम देखते हैं फिशेज में वो एक्चुअली रिलेटेड होते हैं उनकी अडेप्टिवनेस से। अगर फ्लाइंग है तो क्या अडेप्टेशन है, अगर बॉटम ड्वेलर है तो क्या अडेप्टेशन है, वॉकिंग अगर करनी है तो आपके मॉडिफिकेशन बदल जाते हैं। देखिए फिशेज के ऑरिजिन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता है, बट यू हैव टू बी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक ऑरिजिन कैसे हुआ है। तो कॉडेट में जो इनका इवोल्यूशन हुआ है फिन्स का, एक्चुअल में पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर नहीं है, बट इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए कंटिन्यूस फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, हम अभी भी इसको क्या कह रहे हैं स्किन के डेरिवेटिव्स कह रहे हैं, तो स्किन की फोल्डिंग से जो कि इनका फॉर्मेशन हुआ है। कंटिन्यूस फोल्ड, आप जो फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक मीडियम डॉर्सल फिन जो होते हैं कंटिन्यूस कंटिन्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीरियर डॉर्सल फिन आप जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें फिर क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे ये जो कंटिन्यूशन था ये आपका डीजनरेट होता गया, बीच बीच में से कुछ रीजन्स में से डीजनरेशन हुआ और एक ही फोल्ड, एक ही जो फिन था वो अलग अलग फिन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड फॉर दिस ओरिजिन ऑफ गिल्स। यहाँ पे आप देखेंगे गिल आर्क थ्योरी है, एक्सटर्नल गिल थ्योरी है, फिन फोल्ड थ्योरी, फिन स्पाइन थ्योरी, ऑस्ट्रिकोडर्म थ्योरी एंड कॉडल फिन और टेल थ्योरी। आपको इनके नाम पता होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले जितने भी मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, तो डिटेल में हम जो है वो कॉडल फिन के बारे में जानेंगे। तो कॉडल फिन या टेल फिन, अनपेयर्ड फिन के जगह पे कॉडल फिन जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। मोस्ट फिशेज में जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, लाइक फॉरवर्ड प्रोपल्शन ड्यूरिंग द स्विमिंग। कॉडल फिन इज द मोस्ट ऑफ द फिशेज हाईली डेवलप्ड विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि हिप्पोकैम्पस है उसमें आपकी टेल जो है वो प्रीहेंसिल है, वहाँ पे आपको फिन्स नहीं है। एंड सम ईल्स में भी आपको फिन्स बहुत ही इसमें छोटे होते हैं, पेक्टोरल फिन्स इसमें, पेल्विक फिन्स एंड पेक्टोरल फिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बाकी फिन्स इसमें नहीं होते हैं। इन द बॉटम ड्वेलिंग फिन्स में जो कॉडल फिन्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, एंड इन द स्टिंग रेज में भी कॉडल फिन्स होते हैं ये नहीं होते हैं। तो ये कुछ फिशेज हैं जहाँ पे आप कॉडल फिन को बहुत ज़्यादा डीजनरेटेड पाते हैं। द कॉडल फिन एग्जिबिट डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्पीसीज कोरिलेटेड विद देयर हैबिट, ठीक है। तो हैबिट के अकॉर्डिंग इनके जो कॉडल फिन है उनमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सो दैट इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज। तो फिशेज का क्लासिफिकेशन भी जो है वो फिन्स के बेस पे किया गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिन्स के टाइप पढ़े हमने, फिन्स की सिग्निफिकेंस देखी हमने, इसके अलावा हमने देखा कि फिन्स के लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। फिन्स जो है ये सपोर्टेड होते हैं, इनका सपोर्ट कैटिलेजनस हो सकता है या बोनी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फिशेस, अलग अलग टाइप के सपोर्ट हो सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉडल फिन्स के मॉडिफिकेशंस। देखिए कॉडल फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इनकी लोकोमोशन है, ठीक है, क्लाइंब कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, या फ्लाइंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इन सब में क्या है आपका टेल फिन में, आपके कॉडल फिन में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो अकॉर्डिंग और इसी के बेस पे फिशेज को क्लासीफाई भी किया हुआ है। तो थ्री मेन टाइप के कॉडल फिन्स आप देखेंगे, डाइपाइसर्कल, हेटेरोसर्कल एंड होमोसर्कल। ये इन जनरल एक पिक्चर है जो कि सभी तरह के आपके फिन्स को शो कर रही है, इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डाइफाइसर्कल टेल। डाइफाइसर्कल जो होता है ये एक्चुअली में सबसे प्रिमिटिव होता है। तो जो भी आपके एक्सटिंक्ट फिशेज हैं या बहुत ही जो प्रिमिटिव फिशेज हैं वहाँ पे आपको डाइफाइसर्कल टेल या प्रोटोसर्कल टेल देखने को मिलती है। तो दिस टाइप ऑफ कॉडल फिन जो होते हैं बहुत प्रिमिटिव होती है, नॉर्मली जो एक्सटेंट हो चुकी है फिशेज उनमें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये पूरी लेंथ में होता है, एनल फिन के पूरी लेंथ में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इसकी स्पेशलिटी होती है। एक्चुअली कुछ जगह पे क्या होता है कि जो कॉडल फिन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वेंट्रल हाफ एंड डॉर्सल हाफ। तो डॉर्सल हाफ इज नोन एज एपिकॉर्डल लोब एंड वेंट्रल हाफ इज नोन एज हाइपोकॉर्डल लोब। एपिकॉर्डल एंड हाइपोकॉर्डल पार्ट जो होते हैं फिशेस के, ये दोनों में इक्वल साइज के होते हैं। आप इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, होमोसर्कल टेल, सॉरी प्रोटोसर्कल टेल और डाइफाइसर्कल टेल। तो इसमें नोटोकॉर्ड आपकी पूरी लेंथ में है, दोनों कॉर्ड जो है आपके एपिकॉर्ड एंड हाइपोकॉर्ड दोनों की साइज इक्वल है। एपिकॉर्डल एंड हाइपोकॉर्डल पार्ट ऑफ द कॉडल फिन आर इक्वल इन साइज। तो डाइफाइसर्कल कॉडल फिन अकर इन मॉडर्न, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइक्लोस्टोम्स में, प्रिमिटिव शार्क में, होलोसिफेलाई काइमेराज में प्रेजेंट है, एंड लिविंग डिप्लोइड्स जो लंग फिशेज हैं आपकी कौन कौन सी होती है, प्रोटोप्टेरिस, नियोसिरेटोडस एंड लेपिडोसायरेन, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लिविंग क्रोसोप्टेरिजन में यानी लेटमेरिया में प्रेजेंट होती हैं, मैनी नार्वल टीलियोस्ट में एंड डीप सी फिशेज में ये पाई जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। काइमेरा एंड सम डीप सी फिशेज में कॉडल फिन जो होती हैं उसमें आइसोसर्कल टेल कहते हैं, ये हम आगे की पिक्चर में हम देखेंगे। आइसोसर्कल टेल में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो पूरी आपको एंड तक कवर करके रहता है, इसको हम क्या कहते हैं आइसोसर्कल, जिसकी वजह से जो दोनों लोग होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड रहते हैं। अच्छा इसके अलावा कुछ जो फिशेज हैं लाइक लेटमेरिया में क्या होता है, एक आइसो कॉडल लोब जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेटमेरिया एंड एक्सटेंट कॉलियंथ में हैव यूनिक सिमेट्रिकल थ्री लोब्ड टेल, मेल मार्ग वेल मार्ग मीडियन लोब। तो यहाँ पे आपके जो मॉडिफाइड डाइफासर्कल टेल है या लेटमेरिया, यहाँ पे आपके क्या होता है मीडियन लोब भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिप्नोन्स में, अगर डिप्नोन्स क्या है आपके हायर में आते हैं, हायर ग्रुप में आते हैं फिश के, अगर वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है दैट मीन्स ये इसका एक सेकेंडरी करेक्टर, सेकेंडरी मॉडिफिकेशन, नॉर्मली नहीं होता है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट इस तरह की जो टेल है जो कि आपके एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थी, प्रिमिटिव करेक्टर है, वो अगर पाया जाए तो दैट मीन्स ये इनका सेकेंडरी अडेप्टेशन में काउंट होता है। हेटेरोसर्कल टेल की अगर हम बात करते हैं, तो हेटेरोसर्कल टेल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो इनके दोनों कॉर्ड हैं एपिकॉर्ड और हाइपोकॉर्ड जो हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं हेटेरोसर्कल टेल। तो हेटेरोसर्कल टेल एक्चुअली इंटरमीडिएट पोजीशन है, प्रोटोसर्कल देन हेटेरोसर्कल देन होमोसर्कल। तो मोस्ट एडवांस स्टेज आपकी होमोसर्कल टेल होती है।
इट इज द इंटरमीडिएट टाइप इन विच वर्टिब्रल कॉलम बैंड अपवर्ड एंड रीचेज अप टू द टिप ऑफ मोर प्रोमिनेंट डॉर्सल ट्यूब। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो कैसे है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होकर के थोड़ी ऊपर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका वेंट्रल लोब होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कॉडल फिन इज मॉडर्न एलोसमेंट ब्रैंकियाई में प्रेजेंट होता है, एक्सटेंट ऑस्टियोलेपिड्स क्रॉसअप टेरिजन में प्रेजेंट होता है, एक्सटेंट डिप्नोन्स में प्रेजेंट होता है, लिविंग होलोस्टियन में प्रेजेंट होता है लाइक एसीपेंसर एंड पोलियोडॉन। हेटरोसर्कल कॉडल फिन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉटम ड्वेलर, ठीक है, वेंट्रल माउथ जहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि बॉटम ड्वेलर जो होती है जैसे कि लेबियो वगैरह आपकी, ये इसमें कैसा होता है, माउथ आपका वेंट्रल होता है, सॉरी लेबियो में एंटीरियर होता है, स्कॉलेडॉन में वेंट्रल होता है। एंड विदाउट स्विम ब्लैडर द स्ट्रोक ऑफ द लार्जर डॉर्सल लोब इन द स्विमिंग सर्व टू डायरेक्ट द फिशेज टूवर्ड्स द बॉटम। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो जो आपकी जो बॉटम ड्वेलिंग जो होती है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अपोजिट ऑफ द हेटरोसर्कल कंडीशन इन विच वर्टिब्रल कॉलम टर्मिनेट इन टू द लार्जर वेंट्रल लोब नोन एज हाइपोसर्कल टेल। इसी के साथ में आप क्या देख रहे हैं, हाइपोसर्कल टेल देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन जो वर्टिब्रल कॉलम है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है और वेंट्रल लोब जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। हाइपोसर्कल कॉडल फिन इज पिक्यूलर टू द फ्लाइंग फिश। तो ये हाइपोसर्कल टेल जो होती है आपकी फ्लाइंग फिशेज में पाई जाती हैं। तो जब फिश ग्लाइड कर रही होती है उस वक्त हाइपोसर्कल या वेंट्रल लोब जो होता है ये इसको इसकी जो ग्लाइडिंग है उसको इफेक्टिव बनाता है। जब जैसे ही फिश अपने वाटर को छोड़ती है तो वेंट्रल लोब जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नाउ नेक्स्ट होमोसर्कल टेल। होमोसर्कल एक एडवांस करेक्टर है, जो भी आपके मॉडर्न जो फिशेज हैं उनमें आपको होमोसर्कल टेल पाई जाती है। होमोसर्कल कॉडल फिन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर बॉडी फिशेज, ये टीलियोस्ट जो फिशेज होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इन फिशेज की स्पेशलिटी क्या है, दे आर सिमेट्रिकल एक्सटर्नली। तो आपको ये लगता है कि दीज आर सिमेट्रिकल लाइक आपके प्रोटोसर्कल टेल में जो आपने देखा, बट इंटरनली दे आर एसिमेट्रिकल। पोस्टीरियर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये कैसा है आपका टर्न्ड अप है, ठीक है, और आपके इसमें क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं ये पूरे तरह से डेवलप नहीं होता है और डॉर्सल लोब जो होता है वो इसमें एक्चुअली नहीं होता, ये वेंट्रल लोब ही है जो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। हम इसे डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब कह रहे हैं बट इट इज एक्चुअली डॉर्सल लोब जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टीलियोस्ट रिटेन द टिपिकल होमोसर्कल कंडीशन बट इन सम फॉर्म कंडीशन इज स्लाइटली मॉडिफाइड। तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हम देखेंगे। तो दिस इज इन जनरल होमोसर्कल टेल दैट इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फिन्स जो कि जो भी आपकी एडवांस फिशेज होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इनमें मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कॉड एंड टूना जो फिशेज हैं इसमें नीचे आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपके रिड्यूस्ड कंडीशन में है एंड डॉर्सल और वेंट्रल लोब जो होते हैं उसमें ये डिवाइडेड है। इसके अलावा आप इसमें जो काइमेरा है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइसोसर्कल टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आइसोसर्कल टेल में क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जियोफाई सर्कल टेल प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। जियोफाई सर्कल टेल जो होती है आपके फायरस फेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपकी कॉन्ट्रस्टियन है पॉलिप्टेरस एमियन लेपिडोसिटस इनमें यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको एब्रीवेटेड होमोसर्कल टेल, ठीक है। तो इस टाइप की जो टेल होती है इसे हम क्या कहते हैं, जो टेल फिन है इसे हम कहते हैं एब्रीवेटेड होमोसर्कल टेल। एक्चुअली इनमें क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम इज अ बिग इलोंगेटेड एंड अपटर्न, ठीक है। तो विद और विदाउट अपटर्न फ्लैशी लोब, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ऊपर की तरफ है, इसके चारों तरफ फ्लैशी लोब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज नॉन एज एब्रीवेटेड होमोसर्कल टेल। तो इससे हम लास्ट में हम क्या देख सकते हैं, हमने पूरा जो डिस्कशन देखा उससे हम ये समझ सकते हैं कि आपका प्रोटोसर्कल डाइफोसर्कल जो टेल है कॉडल फिन का ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है। हेटरोसर्कल जो है इंटरमीडिएट स्टेज है, जबकि होमोसर्कल कंडीशन जो है आपका एडवांस करेक्टर को शो करती है। इन मैनी टीलियोस्ट कॉडल फिन स्टार्ट एज डाइसर्कल, मतलब जो आपका रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे फिशेज होते हैं जिसमें शुरू में क्या है डाइफोसर्कल टेल होती है, उसके बाद हेटरोसर्कल टेल होती है और उसके बाद में होमोसर्कल कंडीशन जो है वो आती है। तो ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ कॉडल फिन इज द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिशेज इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इससे फाइलोजनी भी स्टडी कर सकते हैं कि जैसे कोई टेल आपकी डेवलपिंग स्टेज को जैसे जैसे क्रॉस करती है तो फिन्स का जो टाइप है कॉडल फिन्स का जो टाइप है वो भी अपने प्रिमिटिव स्टेज से एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ता है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ फिन्स। फिशेज फिन्स के बारे में आपने उनका स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स, उनके सिग्निफिकेंस, उनके मॉडिफिकेशंस, इन सबको स्टडी किया। थैंक यू।